अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। लग शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपको सीधा लेके जा रही हूँ बाज़ार। बाज़ार से लेनी है कुछ ज़रूरी चीज़ें बच्चों की। एक्चुअली आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और चीज़ें जो है वो हर तीसरे चौथे माह मैं तो कहती हूँ छोटी हो जाती हैं। बच्चों की माशाल्लाह इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही होती है तो उनको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो स्पेशली शूज़ वगैरह लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए ज़रा क्या लिया हमने। ये वाली कह रही हो? ये वाली ये वाली गर्ल्स की। हाँ लेकिन अभी ना मुझे शूज़ लेने दो, देख लेते हैं ना जो अच्छी लगे फिर छोड़ो। ऐसे नहीं शूज ना स्कूल में ले। ये वाली ये वाली मम्मा चप्पल भी लेनी है स्कूल। अम्मा शूज ऐसे ले लो। अम्मा तू एट तू एट है। कौन सा नंबर है? टू एट। कौन सा? टू एट। आपको पता? टू एट। अच्छा रीम शीशा लग जाएगा मुंह में। चलो ठीक है ठीक है। 1400 काट लो। देख लिया मैंने 1500 लगा दिया मैंने। नहीं नहीं 1400 ही काटने बहुत है। चले मैं आ गया आपको। चलो आओ चले। तो जी शॉपिंग हमारी हो गई थी कंप्लीट। छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें ली और बच्चों को जो अपना वापसी पे ना बहुत पता है आपको गर्मी अभी जा ही नहीं रही और इतनी प्यास फील हो रही थी। बस दिल कर रहा था कुछ ठंडा सा हो जाए जो पी लूँ फटाफट। तो बच्चों ने जी वो कहा था हमने मौसमी का जूस पीना और मेरा दिल कर रहा था गन्ने का रस पीने को। तो इसके जहाँ हम बैठे हुए ना पीछे वाली रेड़ी पे एक्चुअली गन्ने का रस बना रहे थे तो बच्चों ने तो ये लिया। तो मेरा दिल था नहीं मैं ठंडा ठंडा गन्ने का रस पीऊँ। काफ़ी देर हो गई थी गन्ने का जूस पिए हुए या गन्ना खाए हुए गंडेरियाँ खाए हुए। तो फिर हमने वो लिया बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से और मैंने अपनी मर्ज़ी से। तो जी मेरे साथ किस किसने पीना है ठंडा ठंडा गन्ने का रस आएँ और अपनी गर्मी में अपनी प्यास बुझाएँ और मज़ा करें। काफ़ी मज़ा आया वैसे इसको पी के। काफ़ी देर बाद मैंने इस पिया है गन्ने का रस था। तो वो मैं बना रहा था और मैं देख रही थी सामने वाला मौसमी वाला कैसे जूस निकाल रहा है। तो उसके बाद घर वापस आ गए। घर आके फिर चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या लेके। वैसे ही पैकेट्स पड़े हुए तो चले देखते हैं कि क्या क्या लिया मैंने। तो शर्मीन माशाल्लाह बड़ी हो रही है तो उसके लिए स्कार्फ्स मुझे ना अक्सर मैं लेती रहती हूँ अब। तो शर्मीन ने कहा कि मैंने लेने हैं मम्मा स्कार्फ्स स्ट्रॉलर्स। तो छोटी वाली भी साथ थी तो उन्होंने रोला डाल दिया नहीं मम्मा हमें भी लेके दो। पता है छोटी छोटी बच्चियों को कितना शौक होता है दुपट्टे लेने का और बड़ा आंटियों की तरह दुपट्टे लेती हैं। तो बड़ी प्यारी और क्यूट लगती हैं बच्चियाँ जब ले रही होती हैं दुपट्टे ना छोटी छोटी सी। तो ये शर्मीन ने तीन लिए थे दो और एक एक इनको लेके दिया था स्ट्रॉलर्स से बने हुए थे। मतलब ये बच्चों के हिसाब से छोटी बच्चों के हिसाब से ठीक थे। देखिए ये ग्रीन वाला कितना मज़े का कलर है और उस पर स्माइलीज बने हुए बड़े प्यारे कलरफुल से। तो ये रीम को ये कलर ग्रीन कलर उसको पसंद है तो उसने ये लिया। नरमीन को ब्लू पसंद है तो वो ब्लू चीज़ें लेती है अपनी ज़्यादा। ये सारे टाइट्स थी जैसा हमने देखा बाज़ार में मैं ले रही थी बच्चियों के लिए। आपको पता है टाइट्स और शर्ट्स और ये चीज़ें तो चलती रहती हैं सारा साल ही बच्चियों की। तो बच्चे हैं ख़राब कर लेते हैं फाड़ लेते हैं वॉश हो के ख़राब हो जाती हैं। तो स्कूल की कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी इनके कैचर्स हैं पोनी टेल्स हैं ये ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें पिंस हैं ब्लैक आपको पता है स्कूल में यही बच्चियाँ ज़्यादा लगा के जाती हैं। तो फीडर्स लिए छोटे वाली दोनों बेटियों के। तो नरमीन जो है वो सिपर में लेती है दूध हरीम फीडर लेती है। तो जी हरीम साहिबा ने ग्रीन लिया और नरमीन बीबी ने जो ब्लू एज यूजुअल जो उनको कलर पसंद थे उन्होंने वही वही चीज़ें देखनी होती जो उनको कलर अच्छे लगते हैं ना जो उनकी मर्ज़ी के होते हैं। और शर्मीन का था ये हेयर बैंड कपड़े वाला और स्कूल की स्टेशनरी की कुछ चीज़ें थी ख़त्म हुई थी वो ली बच्चों की। ये भी साथ साथ चल रही होती हैं जब भी ग्रॉसरी करने जाऊँ या बाज़ार और आपको पता है बच्चे यूज़ करते हैं ख़राब कर लेते हैं। तो मेन जो हमारी शॉपिंग थी वो एक्चुअली थी शूज़ की जो है ना बच्चों के अपने जो है बच्चों के पिछले साल वाले तो आपको पता है बच्चों को पूरे नहीं आते हैं शूज़ या सैंडल्स जो होते हैं। तो अभी जब तक उनकी माशाल्लाह ग्रोथ हो रही है तब तक हमें लेने पड़ते हैं हर साल ही बल्कि हर साल क्या 4-5 माह बाद ही मम्मा शूज़ छोटे हो गए हैं तंग हो रहे हैं लग रहे हैं चुभ रहे हैं ऐसे कहना शुरू हो जाते हैं बच्चे। ये मेरे थे जी पाम्प स्ट्राइप बने हुए और ये शर्मीन के शू हैं ये ब्राउन वाले। तो हम मेरे और छोटी वाले दोनों के जो 8800 के आए तो शर्मीन के शूज़ 1000 के हैं ये। तो ये शर्मीन के काफ़ी कंफर्टेबल से और ये जी हरीम के ये जी हैं चप्पल ये डिलक्स की रेड फ्रेश रेड कलर में बड़ा अच्छा बना हुआ था टमाटर सा कलर। तो ये ली हरीम ने अपने लिए।
तो बस ये थी आज की शॉपिंग। अभी आपको तो शॉपिंग तो चलती रहेगी, सर्दियाँ आ रही हैं, साथ साथ चीज़ें लेते रहेंगे। तो अगर शॉपिंग अच्छी लगी हो तो अगर वीडियो शॉपिंग अच्छी लगी हो तो लाजमी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपना और सबका ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हमेशा सबको याद रखें जो आपके आसपास हैं, जानने वाले ना जानने वाले, सबके लिए दुआ करते रहें। और मुझे लाजमी याद रखें दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।